नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, और इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। सूत्रों के हवाले से खबर, स्वर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला या सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को आरक्षण देने की। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था, इतनी ही आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। क्या मोदी सरकार इसी सत्र में लाएगी आरक्षण संशोधन विधायक? क्या रहेगा सहयोगी पार्टियों का रवैया? क्या रहेगा विपक्षी दलों का रुख? क्या होगा विधेयक का हश्र? इस वक्त की बड़ी खबर नई दिल्ली से, जहां पर स्वर्ण को मिलेगा 10%, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्णों को आरक्षण। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चीफ एडिटर प्रवीण दत्ता हमसे जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार द्वारा ये खाली लोकसभा चुनाव की तैयारी है या सच में ये सामान्य जाति की भलाई को लेकर किया जा रहा है? रोशनी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये वाकई एक ठोस कदम का रूप लेगा या फिर एक चुनावी शगुफा बनेगा जी। क्योंकि जो संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है उसमें 49.5% को आप क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि आप संविधान में संशोधन ना करें। दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर आरक्षण व्यवस्था 70% तक जाती है, उन लोगों ने बाकायदा संशोधन किए थे इससे पहले। क्योंकि सिर्फ अगर राज्य स्तर की भी बात करूं तो गुर्जरों को आरक्षण देने में ही सरकार को इतना जोर है क्योंकि संविधान संशोधन की आवश्यकता है। अब ये बात सवर्णों पर, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों पर पूरे देश में लागू होनी है, इसका बहुत व्यापक असर होना है और स्पष्ट तौर पर ये एक गेम चेंजर के तौर पर मोदी सरकार इसे आगे लेके आई है। अब 5 राज्यों में हार के बाद राम मंदिर और दूसरा अभी ये मुद्दा है आरक्षण, वो भी सवर्णों को, तो निश्चित तौर पे इसके लिए अभी तो कैबिनेट के अंदर सहमति बनी है। अब इसका बाकायदा विधेयक तैयार हो, लोकसभा में पेश हो और फिर देखना यह होगा कि जो खुद सहयोगी दल हैं एनडीए के, रामदास अठावले जैसे लोग जो कि मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, उनका क्या रुख रहेगा? शिवसेना जैसे दलों का क्या रुख रहेगा? वहां पर मराठा आंदोलन सारे ही राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में ये आरक्षण की एक और जो वर्टिकल खड़ी होगी, इसका मुकाबला बाकी दल कैसे करेंगे? रोशनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो मोदी सरकार के जो बाकी सहयोगी है उनका क्या रुख रहेगा इसको लेकर? देखिए, रामदास अठावले स्पष्ट तौर पर चाहेंगे कि, और रामविलास पासवान भी, कि उनके जो पिछड़ों के जो आरक्षण है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। उसके अलावा अब देखना ये होगा कि मोदी और अमित शाह कितना ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग कर पाते हैं एनडीए के भीतर और अपने सहयोगियों को मना पाते हैं। फिर देखना होगा कि जो विपक्षी दल हैं वहां उनका रुख क्या रहता है, कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है इस पे। क्योंकि रोशनी, ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को लुभाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, अकाली दल भी करता है, इसके अलावा शिवसेना भी, आम आदमी पार्टी भी, दक्षिण में तेलुगु देशम भी। ऐसे में ये कोई किसी एक पार्टी तक सीमित बात नहीं है, इसलिए सहयोगी दलों का रवैया भी बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्षी दलों का भी। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक नूरा कुश्ती साबित हो और चुनाव से पहले ये लागू ना हो पाए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हम विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से सिर्फ बयानबाजी सुने और देखें कि देखिए हम तो विधेयक लाए थे लेकिन इन लोगों ने पास नहीं होने दिया। यानी जो बात 3 तलाक पर हुई वही कहीं सवर्ण आरक्षण पर ना हो जाए। रोशनी
जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की बात अगर हम करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के पीछे कहीं सामान्य जाति को एक तरीके से तोड़ने का, वोट बांटने का जो काम है वो इसलिए किया गया है? देखिए, एक जो बीजेपी का स्टैंड रहा है राम मंदिर को लेके, वो सीधा सीधा हिंदू जो है देश के उनको टारगेट करता है जी। वो वोट पोलराइजेशन का काम करता है। गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे, उन पर इनके लोगों का इन्वॉल्व होना, उनको सजा न मिलना, मंत्रियों द्वारा उनको संरक्षण देना, ये सब हिंदू अपीजमेंट है। लेकिन अब ये जो बात है कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, ये स्ट्रेट अवे पूरी टेबल को एक साथ एड्रेस करने की बात है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।